इवराइटर की फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाने के बाद वो सेकंड टाइम शादी करता है। एक रिचुअल की वजह से उसकी फर्स्ट वाइफ की आत्मा वापस आ गई और उसे फिर से पाना चाहती है। ये कोई भी हॉरर मूवी नहीं तो एक फनी स्टोरी है, तो अंदर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस मूवी का नाम है ब्राइड स्पिरिट। ये 2020 की एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी है। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टाइम है 1937 में इंग्लैंड का। हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो राइटर है, इसका नाम है चार्ल्स। चार्ल्स को अपने बुक को एज ए स्क्रीन प्ले लिखने का काम दिया गया है, पर आजकल इस काम के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। बहुत दिनों से वो लिख नहीं पा रहा और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। उसकी वाइफ का नाम है रूथ। चार्ल्स लिखते वक्त हमेशा डिस्टर्ब होता है, तो उस वजह से रूथ ने उसे एक अलग से रूम दे दी थी। आजकल वो रात रात घर नहीं आ रहा, तो रूथ को रात भर जगने की आदत हो गई है। रूथ ने खुद के लिए अपनी नई हॉबी बना ली थी, वो गार्डन को अच्छी तरीके से डेकोरेट करती थी और इसका फिर कॉम्पिटिशन होता था। गुस्सा होकर चार्ल्स ने अपना टाइप राइटर फेंक दिया, तो रूथ उसके पास आती है। वो कहती कि तुमने ऑलरेडी बुक तो लिख लिया है, तो उसका स्क्रीन प्ले लिखना उतना ज्यादा बड़ा काम होगा नहीं, पर चार्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड था। चार्ल्स ने अपनी सारी चीजें फेंकी तो उसकी एक्स वाइफ की फोटो उसमें थी। उसकी एक्स वाइफ को गुजरे हुए बहुत टाइम हो गया पर फिर भी उसे बहुत याद करता है। चार्ल्स को लगा कि रूथ को शायद जेलस लगेगा। उसे पूछती है कि मेरे मरने के बाद भी तुम इसी तरीके से मेरी फोटो रखोगे। चार्ल्स कहता है कि तुम इतनी आसानी से मरने नहीं वाली। चार्ल्स का इस तरीके का बिहेवियर रूथ को अच्छा नहीं लगता। सारी चीजें उसने अपनी फ्रेंड वायलेट को बताई। वायलेट ने कहा कि मैरिज में तो ये सब चीजें होती ही रहती है। मैरिज में आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ता है, जैसे कि किसी और आदमी के साथ अफेयर। रूथ को ये बात सही नहीं लगती। दूसरी तरफ चार्ल्स और उसका फ्रेंड बात कर रहे थे और चार्ल्स कहता है कि आजकल मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसका फ्रेंड डॉक्टर था तो अपनी कुछ गोलियां उसने उसे दे दी, कहा कि इसे लिमिटेड क्वांटिटी में लेना। ये गोली खाने के बाद चार्ल्स में बहुत ही अच्छी एनर्जी आ गई थी। रात में सब मिलकर एक मैजिक शो देखने के लिए जाते हैं। इस शो में मैडम आर्गाटी प्रिटेंड करती है कि वो डेड लोगों की सोल से बात कर सकती है। उसे स्टेज से उठाया जाता है और सबको लगता है कि वो हवा में तैर रही है। एक एक्सीडेंट की वजह से वो नीचे गिर गए और सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद चार्ल्स उसके पास पहुंच गया। वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए प्राइवेट शो करोगे। आर्गाटी ने कहा कि इस तरीके से मेरा मजाक मत उड़ाओ। चार्ल्स ने कहा क्या जो भी हुआ इसके बाद तुम्हारी रिपुटेशन को अच्छी करने के लिए अगर तुम मेरे घर पर शो करोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैडम आर्गाटी इसके लिए मान जाती है। रूथ ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। चार्ल्स ने कहा कि मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर मैडम आर्गाटी की तरह ही है, इससे उसे रिसर्च करने के लिए कुछ मिल जाएगा। इसके बाद हम डायरेक्टली उनके घर पर आर्गाटी को देखते हैं। उसने अपना रिचुअल किया और सब लोग मुंह छुपाकर उस पर हंस रहे थे। वो अलग अलग सोल्स को ढूंढती है और फाइनली चार्ल्स से मिलने वाली कोई सोल उसे मिल गई। मैडम आर्गाटी ने गेज किया और चार्ल्स की एक्स वाइफ उससे बात करना चाहती है, ये बात उसने कही। अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लग गई और नीचे वो गिर गई। सारे घर से हवाएं बहने लग गई थी। आर्गाटी को होश आने के बाद वो कहती है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत अजीब हुआ है, सबको ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा था। वो फिर उसे घर भेज देते हैं। आर्गाटी हमेशा अपने डेड हस्बैंड को बहुत मिस करती है। उसे कहती है कि आज रात कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, वो इस चीज को फील कर पा रही है। आज रात चार्ल्स रूथ के पास सोने के लिए आ गया पर अब उसे रात में जगने की आदत पड़ चुकी है, तो रूथ कहती है क्यों ना तुम अपने स्क्रीन पे को लिखो। अचानक से चार्ल्स के सामने उसकी एक्स वाइफ अलवीरा आ गई। वो बहुत डर जाता है। अलवीरा ने आसपास देखा तो गुस्सा हो गई थी, कहती है तुमने तो पूरी घर को बदल दिया। अलवीरा को लग रहा था कि वो वीकेंड के लिए बाहर थी और वापस आई तो ये सब चार्ल्स ने करके रखा है। चार्ल्स उसे समझाता है कि तुम डेड हो, तुम्हारी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अलवीरा ने रूथ के कपड़े देखे और कहती कि ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। चार्ल्स ने अलवीरा को सब कुछ चीजें समझाए। आवाज सुनकर रूथ वहां पर पहुंच जाती है। रूथ उसे देख नहीं पाती। अलवीरा ने रूथ को गालियां देना स्टार्ट कर दिया और चार्ल्स उसे चुप रहने के लिए कहता है। रूथ को लगता है कि उसने उसे ही चुप रहने के लिए कहा। इस बात से गुस्सा होकर वो सोने के लिए चली गई। अगली सुबह चार्ल्स बिल्कुल नहीं कर पाता कि अलवीरा को उसने कल रात देखा था। अपने डॉक्टर फ्रेंड को बुला लेता है। डॉक्टर ने कहा कि जो पिल्स मैंने तुम्हें दी थी शायद इसी का साइड इफेक्ट था, इसे जरा स्लोली स्लोली लेना। रूथ कल रात की वजह से अब भी गुस्सा थी पर चार्ल्स उसे मना लेता है। इसके बाद वो दोनों एक नई स्क्रिप्ट लेकर रूथ के फादर के पास गए जो मूवी के लिए काम करते थे। बहुत समय गुजर चुका था और चार्ल्स को स्क्रिप्ट बहुत पहले ही देनी थी, तो इस वजह से रूथ के फादर उस पर जरा गुस्सा थे। रूथ उनसे प्रॉमिस कर दी कि चार्ल्स जल्द से जल्द इस स्क्रिप्ट को डिलीवर कर देगा। यहाँ पर फिर से अलवीरा चार्ल्स को दिखने लग गई। अलवीरा ने चार्ल्स के ट्रबल को देखकर कहा तुम हमेशा मेरी वजह से राइट कर सकते थे, मेरे जाने के बाद तुम कुछ लिख नहीं पाए। चार्ल्स उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर से लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई।
अलविरा चार्ल्स को बहुत ही भला बुरा कह रही थी, तो चार्ल्स ने भी गालियां दी। रूथ के फादर को लगता है कि वो उन्हें ही गालियां दे रहा है, तो उसे पंच कर कर वो निकाल देते हैं। घर आने के बाद चार्ल्स ने रूथ को सब कुछ चीज बता दी। वो ये था कि एक्चुअल में अलविरा वापस आ चुकी है, उसे मैं देख पा रहा हूँ। रूथ गुस्सा आती है और उस पर बिलीव नहीं करती। चार्ल्स गुस्सा होकर अलविरा से कहता है कि तुम यहाँ पर आई क्यों। अलविरा ने कहा कि इस पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है, उसे पता नहीं कि उसे वापस कैसे जाना है। इस तरीके से हवा में बातें करते हुए रूथ की सर्वेंट देख लेती है। रूथ अब डायरेक्टली चार्ल्स को मेंटल हॉस्पिटल में भेजने वाली थी, तो चार्ल्स अलविरा से कहता कि प्लीज रूथ को बता दो कि तुम यहाँ पर अवेलेबल हो। अलविरा ने पियानो बजा कर देखा। उसके बाद रूथ की एक पेंटिंग थी, उस पर ड्रॉ करके दिखाती है। इस बात से रूथ बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। वो डायरेक्टली मैडम अर्काडी के पास आई। वो कहती कि चार्ल्स की वाइफ वापस आ चुकी है, आप कुछ ना कुछ कर प्लीज मुझे मदद कर दीजिए। मैडम ने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं होता, पर शायद ये आत्मा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मैडम आर्काडी को आइडिया नहीं था कि किस तरीके से इस सोयल को फिर से वापस भेजा जाए, पर कुछ ना कुछ तो कर इसकी वो हेल्प करने वाली थी। अगर इसी तरीके से अलविरा की पावर बढ़ती रहे तो चार्ल्स को टच भी कर पाएगी, और ये चीज रूथ नहीं चाहती। घर पर अलविरा ने चार्ल्स के पास आने की कोशिश की। वे थी कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुम अभी मुझसे प्यार करते हो। चार्ल्स ने कहा कि तुम्हारी मेमोरीज की वजह से मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। अलविरा चाहती थी कि वो बाहर जाए, कुछ मजे करे। चार्ल्स कहता है कि मुझे अपना काम कंप्लीट करना पड़ेगा। वो अपने स्क्रीन प्ले को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था, कैरेक्टर को और भी ज्यादा उसे अच्छा बनाना था, तो अलविरा ने उसे हेल्प कर दिया। जो भी बुक्स चार्ल्स ने अब तक लिखे थे, इसकी सारी इंस्पिरेशन उसे अलविरा ने दी थी। स्क्रीन प्ले कम्प्लीट करने के लिए अलविरा उसे हेल्प कर रही थी। चार्ल्स को ऐसा बहुत ही अच्छा लगा, पर बीच में वो स्टॉप हो गई। कहती कि आज रात हमें सेलिब्रेट करने के लिए कहीं पर जाना चाहिए। ये दोनों ड्रिंक्स लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में आए। अलविरा ने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया था। चार्ल्स कहता है कि तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से मैं भी बहुत ही हार्ट ब्रोकन था। अलविरा पूछती है कि क्या तुम रूथ से भी प्यार करते हो। चार्ल्स ने कहा कि तुम्हारा प्यार और रूथ का प्यार दोनों बहुत अलग अलग है, उन दोनों से बहुत प्यार करता है। घर पर रूथ बहुत वरीड थी और चार्ल्स अलविरा के साथ वापस आया। रूथ ने पूछा कि तुम उसके साथ कर क्या रहे हो। चार्ल्स ने कहा कि मेरा स्क्रीन प्ले लिखने के लिए वो मुझे मदद कर रही है, कुछ ही दिनों की बात है और मेरा स्क्रीन प्ले कम्प्लीट हो जाएगा, इसके बाद तुम जैसा चाहते हो हॉलीवुड कपल की तरह हम रह पाएंगे। चार्ल्स रूथ के पास आया और कहता है कि वो सिर्फ एक गोस्ट है, मैं तुमसे ही बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो गए। अलविरा रात में मैडम आर्काडी के पास पहुंच जाती है, उसे धमका दी कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो हर रात उसे तकलीफ देती रहेगी। बेचारी आर्काडी बहुत डर गई थी। चार्ल्स ने अपना स्क्रीन प्ले कम्प्लीट कर भेज दिया। अलविरा उस पर गुस्सा हो गई क्योंकि इस बार भी चार्ल्स ने उसका नाम उस स्क्रीन प्ले में लिखा नहीं था। चार्ल्स कहता है कि तुम ऑलरेडी मर चुके हो, ये बात मैं नहीं कर सकता। अलविरा गुस्सा होकर सारी चीजें उस पर फेंकने लग गए। रूथ की गार्डन देखने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, तो अलविरा सारी गार्डन को बर्बाद कर देती है। पैरेलल में मैडम आर्काडी उसके हेड के पास गई। ऑलरेडी अलविरा ने उसके बॉस को कॉल कर दिया था और कहा था कि आर्काडी एक बड़ी फ्रॉड है। आर्काडी पर गुस्सा होकर उसकी मेंबरशिप वो कैंसिल कर देता है। ये सारी बात उनकी असिस्टेंट सुन रही थी। जाते वक्त उसने आर्काडी से कहा कि मुझे बाहर मिलो। वो अपने साथ एक बुक लेकर आए। इस बुक के स्पेल की मदद से वो अलविरा को फिर से वापस भेज सकेंगे। अपने बुक की कम्प्लीशन की वजह से चार्ल्स ने एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में अलविरा रूथ के ड्रिंक में गोलियां मिला देती है। इस ड्रिंक की वजह से वो भी एक्टिव हो जाती है। अपने कपड़े निकालने लग गई और स्विमिंग पूल में चली गई। चार्ल्स जल्दी से उसे उठाकर घर में लेकर जाता है। उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर अलविरा इसे डिस्टर्ब कर देती है। रूथ को नींद आ गई थी तो सो जाती है। इसके बाद अलविरा और चार्ल्स से दोनों इंटीमेट हो गए। अलविरा रूथ के सर्वेंट को भी डरा कर भगा देती है। पैरेलल में मैडम आर्काडी अपनी रिसर्च कंटिन्यू करती है। अलविरा ने चार्ल्स को उसकी राइटिंग करने के लिए हेल्प कर दी। उसने चार्ल्स से कहा कि रूथ को बताना मत कि हमने स्क्रीन प्ले कम्प्लीट कर लिया है। उसके साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहती थी। चार्ल्स जब रूथ के साथ था तो उसे कहती है कि अब हमें फिर से एक दूसरे के साथ सोना चाहिए, स्क्रीन प्ले कम्प्लीट होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद चार्ल्स को बहुत बुरा लगा। उसने अलविरा से बात की और कहा कि हम दोनों के बीच में जो भी है ये हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, तुम अब एक अलग दुनिया से हो और मैं एक अलग दुनिया से। अलविरा को इस बात से बहुत बुरा लगता है। उसने फिर चार्ल्स को मारने की कोशिश की। ये सब देखने के बाद रूथ ने चार्ल्स से कहा कि अलविरा तुम्हें मारना चाहती है क्योंकि मरने के बाद वो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह सके। इस बात से चार्ल्स भी डर गया था। वो डिसाइड करते कि आज रात एक साथ ही रहेंगे। चार्ल्स ने रूथ को बता दिया कि उसका स्क्रीन प्ले कम्प्लीट हो चुका है। रूथ को बहुत अच्छा लगता है। रात गुजर जाने के बाद मैडम आर्काडी का रूथ को कॉल आता है।
उसने कहा कि अब मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है, अब हम अलविरा को भगा सकते हैं। रूथ रिलैक्स होती है और मैडम से मिलने के लिए चली गई। चार्ल्स बाथ टब में सो रहा था तभी अलविरा एक रेजर लेकर वहां पर आ गई। डर कर चार्ल्स उसे कहता है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहा, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो। बाहर उनकी मेड सुन रही थी, उसे कुछ अलग ही लगता है। उसने कहा कि रूथ जरा बाहर गई है। अलविरा कही थी कि रूथ को बाहर नहीं जाना चाहिए था। एक्चुअल में अलविरा ने गाड़ी के ब्रेक्स की वायर कट कर दिया, इससे रूथ का एक्सीडेंट होकर उसकी डेथ हो गई। चार्ल्स को इससे बहुत बुरा लगा। फिनल पर चार्ल्स से मिलने के लिए मैडम आरकाटी भी आई हुई थी। उसे कहती कि इस सब में मेरा ही फॉल्ट है। चार्ल्स ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं अगर आपका मजाक न उड़ाता तो ये सब होता ही नहीं। यहाँ पर फिर से चार्ल्स को अलविरा दिखी, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और हैमर लेकर उसके पीछे भागता है। फिनल पर सब लोग ये नोटिस करते हैं। उसके डॉक्टर फ्रेंड ने उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद उसे डायरेक्टली पागलखाने में भेज दिया जाता है। चार्ल्स बहुत ही ज्यादा डर चुका था, अब उस पर शॉक थेरेपी भी होने वाली थी। अलविरा कहती कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी इटर्निटी तक नहीं रह सकती, तुम्हें मुझे डिवोर्स देना पड़ेगा। अलविरा ने चार्ल्स को मेंटल हॉस्पिटल से निकाल लिया और सेरेमनी कम्प्लीट करने के लिए, यानी डिवोर्स कम्प्लीट करने के लिए, ये मैडम अलास पहुंच गए। सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर मैडम अपना रिचुअल कम्प्लीट कर दिया, पर कुछ भी हो नहीं रहा था। उसने फिर से कुछ किया और रूथ वापस आ गए। वो समझ नहीं पाती कि हुआ क्या था। अलविरा ने कहा कि तुम मर चुकी हो। रूथ और अलविरा झगड़ने लग गए, पर अलविरा कहती कि चार्ल्स ने तुम पर चीट किया है, बुक ऑलरेडी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद भी वो मुझसे अफेयर कर रहा था, वैसे वो बुक भी उसने लिखी नहीं थी, वो सब कुछ मैं ही उसे बताती थी। अलविरा और रूथ दोनों चार्ल्स पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। मैडम ने फिर से उन्हें वापस भेजने की कोशिश की, पर उसका डेड हस्बैंड फिर से वापस आ जाता है। ये सब कुछ वो फिर से अपने हस्बैंड से बात करने के लिए कर रही थी। इसके बाद हम देखते कि 6 महीने गुजर चुके हैं। चार्ल्स के स्क्रिप्ट पर एक बड़ी मूवी बन रही थी। एक रिपोर्टर चार्ल्स से मिलने के लिए आई और उसने कहा कि तुमने सब कुछ अपनी बुक चुराई हुई है, तुम्हें कैसा लगता है? चार्ल्स ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रिपोर्टर के पास पूरा प्रूफ था। यहाँ पर अलविरा भी आके चार्ल्स उस पर गुस्सा होकर कहता है कि तुमने किया क्या। अलविरा ने कहा कि कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता, मैंने भी सब कुछ चुराया ही था। वो अलविरा को गाली देता है, पर रिपोर्टर को लगता है कि उसे ही गाली दी गई। अलविरा के पीछे पीछे गुस्से में बाहर आया। रूथ अपनी गाड़ी से चार्ल्स को उड़ा देती है और वो भी अब मरकर भूत बन गया था। इन दोनों ने कहा कि तुमने कभी भी हम दोनों से प्यार नहीं किया था, तुम बहुत ही सेल्फिश थे, अब लोग हमेशा तुम्हें चीटर के नाम से याद रखेंगे। इन दोनों ने अपना बदला ले लिया था। इन क्रेडिट रोल होने के बाद भी ये दोनों चार्ल्स को सता रही है, ये हम सुन सकते हैं, यानी पूरी इटर्निटी वो चार्ल्स को तकलीफ ही देती रहेंगी। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन देना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।